जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और मेरे साथ सम्मानित दीवान सिंह जी मौजूद हैं जो कि नेवी से हैं, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, मैं ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर सब लेफ्टिनेंट दीवान सिंह हूँ और अभी प्रेजेंटली ग्रेटर नोएडा भूतपूर्व वेटरन्स नेवल वेटरन्स सेलर्स जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा एक लाइन के अंदर बताऊंगा सिर्फ तमाम विसंगतियों को लेकर के, जो भारतीय सेना के अंदर जो विसंगतियाँ हैं, जो जवानों का जो शोषण हो रहा है उनको लेकर के ये यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बार किस तरह से बताना चाहते हैं अपनी बात को एक बार जानते हैं जी। देखिए ऐसा है, मैं इंडियन नेवी से हूँ, मैं अब 34 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ हूँ। देखो विसंगतियों का मेन कारण जो है वो है हमारे जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन्होंने हमारी बात को ही सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। दीवान जी, पहले मैं ये पूछूंगा क्या जो विसंगतियाँ हैं ये अभी हमने भारतीय सेना में इंडियन आर्मी में सुने थे, क्या ये नेवी में भी हैं? सी, जो पे स्ट्रक्चर है वो तीनों सेनाओं का एक ही है। अच्छा, तो जो भी जैसे अभी आपने बोला है कि जो पे स्ट्रक्चर्स का जो है वो तीनों सेनाओं का एक है, बट रैंक अलग अलग है, रैंक स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है एंड वर्किंग कल्चर भी अलग है। बताएं थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस और किस तरह से नेवी में शोषण है? देखो नेवी के अंदर क्या है, नेवी में जो है इंडिविजुअल ब्रांचेज हैं, तो अपने अपने कोई टेक्निकल ब्रांच से है, कोई कम्युनिकेशन ब्रांच से है, कोई स्टोर ब्रांच से है, तो अलग अलग कोई रेगुलेटिंग ब्रांच से, मैं रेगुलेटिंग ब्रांच से हूँ। तो ऐसा है कि जो सैनिक होता है उनका अपना अपना काम होता है, अपना अपना डिपार्टमेंटल काम रहता है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ताकि उनको ज़्यादा इधर उधर ये जो फालतू की चीज़ें होती हैं उनको नहीं किया कराया जा सकता। बट सर्विस के जो रूल रेगुलेशंस है, जो देखिए ऐसा है, आज हम आज़ाद हुए 75 ईयर्स मना रहे हैं, लेकिन जो रूल एंड रेगुलेशंस है, मैं नेवी के रूल रेगुलेशन पढ़ा हुआ हूँ, मैं नेवी में रेगुलेटिंग सेलर होने के नाते, प्रोबोस्ट सेलर होने के नाते मेरे को पूरे रूल रेगुलेशन का थोड़ा बहुत मालूम है। तो जो रेगुलेशंस हैं वो रेगुलेशंस ऐसे हैं जैसे जब भारत में अंग्रेज हुकूमत करते थे तो उस समय जो जवान होते थे वो क्या होते थे, उनको स्लैब किया कहा जाता है, मतलब हम लोग जो थे एक तरफ से गुलाम थे। तो आप अगर हिस्ट्री में जाओ, पीछे के आप हिस्ट्रियों में जाओगे, तो उस समय जो थे अंग्रेज ऑफिसर होते थे और जो जवान होते थे वो जो होते वो हमारे हिंदुस्तानी होते थे, और बड़ी मुश्किल से जो है जेसीओ रैंक तक का ही उनको प्रमोशन होता था, कोई एक दो अगर आगे चला जाता तो एक आध परसेंट की बात होती थी। बट जो वो जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ छोड़ के गए वो स्ट्रक्चर अभी भी कायम है, वो स्ट्रक्चर जो अभी भी कायम है, रूल रेगुलेशन तो वही है आगे, वो बड़े अफसरों ने कब्जा लिया उसको, वो इसलिए कब्जा लिया। देखो ऐसा है, अभी आप मेरे कमांडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, मैं जो कुछ भी हूँ मैं आपको अपना भगवान समझता हूँ। कमांडिंग ऑफिसर फौज के अंदर एक भगवान के बराबर है, क्यों है? क्योंकि वो पूरे सबका मालिक है। जैसे एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, फैमिली स्ट्रक्चर में आप अपने पिताजी को, अपने जो आपके हेड ऑफ द घर का होता है उसको आप सब कुछ उसको उसका कहना भी मानते हो, उसका सब, और उसके ऊपर आप 200% बिलीव भी करते हो, चाहे वो कोई गलत चीज़ भी हो, आप जो लोग नहीं अगर कह रहे हैं तो ये अच्छे के लिए करते, ये होना भी यही चाहिए, हमेशा अपने बड़े का सम्मान हर तरह से करना चाहिए, फिर चाहे वो गलत है या सही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ें अभी भी हमारे फौज में हम लोगों के अंदर ये चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई है। तो अब जो है जो पे स्ट्रक्चर का या जो अभी वन रैंक वन पे का जो ये चीज़ें आई हुई हैं, ये चीज़ें इसलिए आई हुई है, देखिए ऐसा है सर्विस के अंदर खास तौर पर, चाहे किसी भी सर्विस में ले लो, हम लोग जैसे अभी मीडिया के सामने हम आए हैं, बट हम वर्दी में होते तो आपके सामने कभी नहीं आ सकते थे, क्योंकि हम लोग रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। तो अभी क्या है, जो सीनियर लोगों ने, कुछ सीनियर ऑफिसरों ने, मैं सबके दो, नेवी इज वेरी बहुत बढ़िया है, नेवी का जो स्ट्रक्चर है, नेवी का जो वर्किंग कल्चर है, इंडियन आर्मी से अच्छा है। मतलब देखो अभी मैं आर्मी में, मैंने आर्मी में जूनियर लीडरशिप कोर्स किया हुआ है 2001 में, तो मैंने 45 दिन का आर्मी वालों के साथ जूनियर लीडरशिप कोर्स बरेली में किया हुआ, बिकॉज मैं अकाडमिकली मैं बहुत बढ़िया था और इसकी वजह से मेरे को नॉमिनेट किया गया था। हम दो लोग थे उधर नेवी के, दो एयरफोर्स के थे, बाकी 620 जो थे आर्मी के जवान थे। सो उनका वर्किंग कल्चर में और हमारे वर्किंग कल्चर में थोड़ा बहुत अंतर जरूर है, बाकी जो रैंक स्ट्रक्चर अलग है और पे स्ट्रक्चर मेनली समांतर है।
तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जो ये इतनी जो विसंगतियाँ हुई हैं, ये इसलिए हुई हैं क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमें अपने साथ नहीं लिया, हमारे साथ उन्होंने कभी भी हमारे को, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो घर का मुखिया होता है हम उसका पूरा विश्वास करते हैं, सेम वे हमने अपने अपने सीनियरों का विश्वास किया। बट कुछ सीनियरों ने उसमें क्या किया, हमारे साथ थोड़ा बहुत हमारे साथ जो विसंगतियाँ हुई, हमारे इसको स्वार्थ, उनका अपना स्वार्थ सिद्ध किया, या हो सकता है उन्होंने हमारे को अनदेखा किया। अगर वो हमको अनदेखा नहीं करते तो अपने साथ लेके चलना, ताकि हमारे को जो ये पे स्ट्रक्चर का है या जो भी हमारी जो कमियां हैं वो ठीक हो जाती। तो नेवी में ऐसा कुछ नहीं है, बट जहाँ तक सिस्टम है, सिस्टम में आपको लड़ना, सिस्टम के साथ लड़ना वेरी डिफरेंट। मैं अपनी एक पर्सनल चीज़ बताता हूँ आपको, मैं 23-24 साल की मेरी सर्विस हो गई थी, मेरा बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था, मेरा ऑलवेज क्लास वन एंड एक्सीलरेटेड रिकॉर्ड रहा हुआ है। तो मैं एक कमांडर एट आर्म्स राजेंद्रन हुआ करते थे, जो कि आप लोग उस समय मीडिया का इतना वो नहीं था, आपके मीडिया की तरफ से हमने उस समय क्या ना अखबारों में पता चलता था कि उन्होंने जो है मुंबई डॉकयार्ड में एक समरीन की जो प्लेट थी वो प्लेट भेज दी करके, तो वो ऑफिसर्स का नाम उसमें आया था और वो पुलिस स्टेशन में उनको पकड़ा गया था, वो फोटो हमने देखी थी। बट दुर्भाग्यपूर्वक मेरा ट्रांसफ़र उनके अंडर आ गया था और 2006-07 में, तो मैं उनके 7-8 में फिर उनके साथ रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ऑफिसर्स के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है, भले ही उसको सजा हुई या नहीं हुई है वो बात ही बाकी बैठा, बट जो ऑफिसर इतना बड़ा इसके साथ, इतने बड़े बर्डन के साथ वो किसी, हमारा जो हमारा एशियार है वो एशियार को लिखेगा तो उसकी क्या मेंटेलिटी होगी, आप इस बात को समझ सकते हो ना। बट सर्विस में इस बात को उठाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने 7 साल ये केस लड़ा है, मैंने लड़ा है बिकॉज मैं ईमानदार था, मैं डेडिकेटेड था, मैं अपने काम में होनेस्ट था, आई और मैं प्रोफेशनली बहुत ही साउंड था, तो इसकी वजह से मैं सर्वाइव कर गया। बट हर किसी को ये सर्वाइव कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। मैं तो मेरे साथ भी हुआ था, वो मेरे से गलत काम करवाना चाहता था कि ये करो वो करो, तो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे तो उनके साथ मतलब मिक्सडअप हो, मैं अलग नहीं। जैसे क्या गलत काम करवाना चाहता? मतलब जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपसे पैसे लेना है, ये करना है, ऐसे उनसे पैसा लो, अपना डिपार्टमेंटल काम कराओ, मतलब नहीं ये मैं नहीं करूँगा, आपको लेना आप लो, बिकॉज सी आप तो ऑफिसर हो, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, बट हमको हम नहीं लेंगे। तो ऐसे करते करते एक दो बार उसको मैंने कुछ चीज़ें ले जाते हुए देखा, तो मेरे और उसकी झगड़ा हो गया, मेरा उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, फौज अभी वो मेरा HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उसने मेरे को दूसरी जगह डाल दिया, दूसरा डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया, बट डिपार्टमेंट ऑफिसर वही रहा, तो उसने मेरा क्या है ACR लोअर कर दिया। ठीक, अब एक ही चीज़ हाथ में होती है, नेवी में जवान की जो एक मेन चीज़ है वो होती है ACR, बिकॉज जवान जब काम करता है तो उसका ACR क्या, ACR उसने लोअर कर दिया। तो द मोमेंट मेरे को पता चल गया कि मेरा ACR खराब है, खराब लोअर कर दिया करके, क्योंकि किसी दूसरे ऑफिसर ने बता दिया। नेवी के अंदर बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, नेवी के अंदर ऑफिसर्स इतने अच्छे हैं कि कोऑपरेटिव है, हाँ बहुत ही ज़्यादा। आपको दूसरे ऑफिसर ने देखा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा, इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन और ये तो बहुत अच्छा काम करता है, तो उसने क्या किया कि मेरे को बता दिया, बोला आप माँ साहब आप इतना वो लगे रहते हो, इतना डेडिकेटली काम करते हो, ये है तो आपको मालूम नहीं है ये हुआ आपके साथ। तो देन हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर होता था उस समय, कमोडोर सरूर करके हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते थे, मैं उनके पास गया, मैं बोला सर ये बताइए आपने मेरा ACR तो आप लोगों ने लोअर किया है, बट क्यों किया आपने मुझे बताना चाहिए था, बिकॉज ये तो कानून में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी चीज़ को भी अगर लोअर ACR करते हो देन यू हैव टू इन्फॉर्म हिम। तो बोला नहीं नहीं माँ साहब, मैंने दोनों ऑफिसरों को आपके बुलाया और दोनों ऑफिसर, एक लेफ्टिनेंट कमांडर एट आर्म्स घोष एंड एक दूसरा आपके कैप्टन कमांडर एट आर्म्स राजेंद्रन, दोनों को मैंने बुलाया एंड दे सेड दैट कि नो 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 इसको लोअर करना है।
मैं बोला इवन दो दे सेड, तो व्हाई यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी एंड व्हाई यू नॉट कॉल्ड मी, बिकॉज एवरी डे शोज एंड माय इंटरेक्शंस, हम लोग का गेट पर ड्यूटी होता था उनका और हमारा इंटरेक्शंस होता था, बिकॉज चाहे हम बातचीत नहीं भी करते थे एक दूसरे को आई कॉन्टैक्ट हमारा होता था। सो मैंने बोला कि व्हाई यू नॉट इन्फो, आपने मेरे को इतना तो सोचना चाहिए था, बिकॉज आई एम वर्किंग अंडर यू, तो आप मुझे कम से कम एक बार ये तो बोलते कि भाई मां साहब आ जाओ, ऐसे ऐसी बात है बिफोर सेंडिंग इट टू रिकॉर्ड। तो बोला नहीं नहीं मां साहब मैंने ऐसा किया तो आप दोनों के, तो फिर मैंने उसको बोला नहीं तो मेरे एसीआर को आप अभी आप बुलाइए, वापस मंगवाइए और उसको ठीक कराइए। तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं आप अभी ऐसा है कि आप सर्विस चैनल से आ जाओ, तो आपको मालूम है कि सर्विस चैनल जो फौज का बना हुआ है, आप मेरे कमांडिंग ऑफिसर हो, मैं आपके ऊपर ही कंप्लेंट डाल रहा हूँ। सीधे सिचुएशन कैसी है, आप मेरे कमांडिंग ऑफिसर हो, मैं आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल रहा हूँ और मुझे आपके थ्रू ही चलना है, तो आप बताइए इसको कहाँ तक आवर। बट मैं आई वॉज वेरी डिस्टिंग, मैं बहुत ही फर्म था अपने उसके ऊपर, तो मेरे को मालूम था कि भाई मैं तो सत्य हूँ, मैं सत्य के साथ चलूँगा। देन आई पुट, मैंने डाला, जब मैंने डाला तो फिर हवड़ा टपड़ी तो होनी थी, बिकॉज तो वो उसको उसने क्या किया, मेरा लेटर हेडक्वार्टर भेज दिया, हेडक्वार्टर से करते 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 एक साल के बाद आया, नहीं यार आपने जो ऑफिसर है, ऑफिसर ने आपका एसीआर गलत तरीके से लिखा, ये है। मैं बोला जब गलत तरीके से लिखा तो इसको आप सही करवाई, जब वंस यू आर कमिटेड आप बोल रहे हो कि एक ऑफिसर ने आपका एसीआर लोअर किया, गलत तरीके से किया, तो आप उसको ठीक करवाइए। तो फिर उसमें मेरे को उन्होंने लेता पोथी करके वो दिया, दैट फिर मेरा ट्रांसफ़र आ गया, हाँ ट्रांसफ़र आ गया INS ADR मद्रास में, वहाँ आ गया तो वहाँ जो मेरा ड्यूनल ऑफिसर था उसने उसको भी भड़का दिया, क्योंकि दैट लॉ इज दैट ना, वो भड़का दिया तो उसने भी मेरा, उसने मेरा वो कर दिया। लेकिन उसका क्या हुआ, वो हमारे एक जवान के CV कंसेशन वाउचर होता जो ट्रैवल जिसमें हाफ पैसा लगता, उसके ऊपर अपनी वाइफ को ट्रैवल करवा रहा था और उसका कोर्ट मार्शल हो गया और सर्विस से बाहर हुआ। सी देखो ऐसा, लेकिन मैंने मेरे इतने साल के सर्विस में मैंने बहुत नंबर ऑफ बहुत ऑफिसरों के साथ सर्विस किया, सारे ऑफिसर्स बढ़िया होते हैं, सब ऑफिसर बढ़िया थे, बट एक दो ऑफिसर हर जगह होते हैं जिन जो कि एक अपना एक वो, हाँ ठीक है ना, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। बाकी जो नेवी का जो स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कल्चर है, इट वाज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, बट जो नेवी का सिस्टम है, इट इज़ अ दीवाल, इट इज़ जस्ट लाइक ए दीवाल, इस दीवाल के अंदर सिर पटकते रहो कुछ नहीं होगा, सिर आपका फूटेगा बट आपकी चीज़ें सही नहीं होंगी। इसलिए जो सिस्टम आप बोल रहे हो, आपने मेरे को बोला इसलिए मैं पूछ बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि ना जो सिस्टम कैसा है, आप क्यों कंप्लेन नहीं करते उधर, तो मैं इसलिए कंप्लेन, लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कंप्लेन, बट एनी हाउ उसके बावजूद भी मैं सत्य था, सब कुछ था, देन आई गॉट ए ऑनरी कमीशन ऑफिसर, ऑनरी कमीशन रैंक लेके मैं वापस आया हूँ। उसके बाद मेरे को CNC कमेंडेशन मिला, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कमेंडेशन मिला और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का कमीशन मैंने लिया, बिकॉज मैंने अपने दम पर ये काम किया और केस भी लड़ा। बट लास्टली फाइनली मेरे बहुत ही अच्छे कमांडिंग ऑफिसर थे कमोडोर गर्ग साहब एंड कमांडर एटम अनुपम शर्मा, उन दोनों ने मेरे को बहुत समझाया, बोला नहीं मादा अभी आप ये बट आपका ऑनरी, बट उन्होंने मुझको अश्योर किया था, बोला नो आपको ऑनरी कमीशन को 100% आपका मिलेगा, आप चिंता मत करो, बट वाई यू आर आप ये दीवार है, इस दीवार में क्यों सिर फोड़ रहे, तो ये हमारा सिस्टम। तो अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई जो हमारी जो वो है रूल एंड रेगुलेशन है, वो अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि ये जो रूल रेगुलेशन बने थे ये अंग्रेज़ों ने बनाए थे, ताकि उस समय भारतीय जो थे जवान थे, भारतीय जवान थे, गुलाम थे हम लोग, ऐसे हमने अपने सीनियरों से सुना कि कैब उतार के ऐसे पैसा लेना पड़ता, तनख्वाह ऐसे मिलती थी, मालूम आपको जो मतलब एक भिखारी लोग मांगते हैं, एक जो बंदी लोग मांगते हैं, ऐसे कैप में करके उल्टा करके पैसा लेना पड़ता था। तो अभी जो है हम लोग काफ़ी चेंज हो चुका है, हम लोग अभी आज़ाद हो चुके हैं, तो हमारे इस वक्त की जो सरकार है, हमारे जो मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम लोग जवानों के बारे में इतना सोचते हैं, हमारे साथ होली दिवाली और हमारे इतने अच्छे जवानों के लिए गुणगान करते हैं, तो मेरा इस समय इसलिए, और ये जो आज हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ आई हुई है, ये भी इसीलिए आई हुई है क्योंकि कोई हमको देख रहा है, कोई हमारे बारे में सोच रहा है, तो इसलिए हम अपने अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन तक अगर हमारी ये बात बनेगी, मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास भी है
कि अगर सही तरीके से चीज़ों को प्रेजेंटेशन किया जाए आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो ये चीज़ें जो हैं इसको करेक्टिव वे में लाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ऐसे है, दूसरा चीज़ क्या है जो अभी हमारे आर्मी के बोला जो बटमैन गिरी आ गई, ये हमारे यहाँ नेवी में नहीं है। नेवी में कोई भी ऑफिसर्स को हमारे यहाँ कोई बटमैन नहीं मिलता है, कोई घर में कोई काम करने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड सोर्स है। तो हमारे यहाँ अपने अपने डिपार्टमेंटल काम है, अपने अपने डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। इसलिए नेवी के अंदर जो है थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बट जहाँ तक ये सर्विस और ORP का, कुछ ऑफिसरों ने हो सकता है हमारे साथ बेईमानी की है, हमने उसको उनके ऊपर विश्वास किया, उनको अपना हेड ऑफ वो माना, तो उन्होंने नहीं करना चाहिए था, ये हमारा मानना है। क्योंकि ये करना एक विश्वासघात है, क्योंकि मैं अगर आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, आप अगर हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, ये सबसे बड़ी ये मानवता के विरुद्ध है। और हम सब एक हैं, एक आज़ाद हिंद हैं, एक साथ कर रहे हैं। अभी तक तो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हैं तीनों रॉयल हो जानी चाहिए थे, बिकॉज अर्लियर ये सब रॉयल नेवी, रॉयल एयरफोर्स, रॉयल आर्मी हुआ करती थी ना। आप लोगों ने जब इतिहास पढ़ोगे तो वो तो चले गए, बट जो हमारे पास ये छोड़ गए, तो क्या नाम कहते हैं इसको, इन लोगों ने नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, देखो हम जवान हैं, हम जब लड़ाई होती है, ऑपरेशन होते हैं या किसी चीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं, उस समय हम ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती, पे वल्ला पल्ला दीज, उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, देश सबसे बड़ा है, देश के लोग सबसे हमारे लिए प्रथम है, हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमको उसमें अपनी जान ही क्यों नहीं गंवानी पड़े। चाहे हम लोग जहाज़ों में जाते हैं उल्टियाँ होती हैं, खून की उल्टियाँ करते हैं लोग, आपने पानी के जहाज़ों में कभी सफ़र किया होगा तो आपको पता चलेगा। तो लोग फिर भी लोग जो है उल्टी करके आएंगे और फिर खड़े हो जाएंगे अपने, फिर उल्टी करके आएंगे, फिर ऐसे करके खाते नहीं है, लेकिन बट डटे रहते हैं। किसी के भी दिमाग में भी ये नहीं आता कि ये पैसा कम मिल रहा है, ये मिल रहा है, बिकॉज उस समय जो जुनून होता, उस समय हम भारतीयों का जो जुनून होता, देशभक्ति का जो जुनून होता है, वो जुनून इन चीज़ों को आड़े नहीं आने देता है, आज भी नहीं आने देता है, ठीक है ना। देखिए तमाम चीज़ें जो है दीवान जी ने बताई और बड़े अच्छे से बताया कि हालांकि जो है बटमैन सिस्टम का जो है वो सिस्टम वो नेवी के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ जो आर्थिक रूप से जो शोषण है जवान जैसे उसका, वो कहीं ना कहीं नेवी में भी है। लेकिन फिर भी निवेदन करूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी से, ताकि एक बार निष्पक्ष तरीके से जाँच करके जो है जो भी विसंगतियाँ हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करके हमारी भारतीय सेना को मजबूत किया जाए। जय हिंद, जय भारत।